स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो सभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उन सब की ट्रिक हम कर रहे हैं। तो आज हम आपको मार्च तक का हमने कर लिया है, आज हम अप्रैल का करने जा रहे हैं। अप्रैल माह के सभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च तक हमने क्लियरली कर लिया है। उसमें कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको अप्रैल माह की हम करने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अप्रैल माह की ट्रिक क्या होगी, हम ट्रिक डाल लेते हैं पहले, जो कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस दिवस को याद करने के लिए। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे शाही विपदा, जो विपदा है इस समय कोरोना, कौन सी विपदा है, शाही है, क्योंकि इसको कौन लेके आया, बड़े बड़े लोग लेके आए हैं। ये बड़े बड़े लोगों की बीमारी थी शुरू में, अब गरीबों को बांट दिए हैं। तो ये क्या हो गई, शाही विपदा, बड़े बड़े लोग लाए और विपदा दे के चले गए। तो ये आपको यहाँ से आपको याद रखे हुए अप्रैल माह के पांच महत्वपूर्ण दिवस जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सोचिए दो शब्द में हम आपको अप्रैल माह के पांचों जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम करवा दे रहे हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, साथ से क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, आपको चकराना नहीं है, आपको आंसर देना है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। यहाँ पे अब आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस पढ़ना है और अपने तरीके से पढ़ना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया। अगला हो जाएगा हमारा हीमोफीलिया दिवस। क्या हो जाएगा हमारा, हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस जो है, स्वास्थ्य जब खराब होगा तो 10 दिन में स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो क्या हो जाएगा, 17 दिन में आपका, यानी कि 17 अप्रैल को आपको हीमोफीलिया दिवस मनाया जाएगा। अब शाही हो गया हमारा, जो है एक हो गया स्वास्थ्य दिवस हो गया, दूसरा आपका हो गया हीमोफीलिया दिवस। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसी वी से बता देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी से विरासत दिवस हो जाएगा। विरासत दिवस कब मनाया जाएगा ये भी हम आपको बता देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। विरासत दिवस, विरासत दिवस आपका जब हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया से बीमार लोग फिर अपनी विरासत बचाने के चक्कर में लग जाते हैं, यानी कि जस्ट एक दिन बाद। तो 18 तारीख को कौन सा हो जाएगा, विरासत दिवस मनाया जाता है। अब आगे क्या हो जाएगा, पास से हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, पास से हमारा पृथ्वी दिवस हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ने का तरीका बदलो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब आपको दा से क्या हो जाएगा, तो संपदा आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस अब कब मनाया जाएगा, दा से संपदा और बौद्धिक, तो बौद्धिक संपदा, तो दिमाग वाली संपदा है और संपदा की बात नहीं की जा रही, बौद्धिक संपदा दिवस। अब ये कब होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 26 अप्रैल को। तो एक क्रम से होगा ये सारे दिवस, इस प्रकार से आप पढ़िएगा ना तो सिलेक्शन ज़रूर पाइएगा। तो ये आपके अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो परीक्षा में बनते हैं, पांच बनते हैं, पांचों हमने एक ही ट्रिक में करा दिए हैं। अब आपको रटना नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 10 बार नहीं बोलना है, एक बार आपको देखना है ट्रिक और आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अप्रैल के बाद मई माह के जो है इम्पोर्टेंट डेज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।